राजधानी दिल्ली में पुलिस फायरिंग में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा बुरी तरह से जख्मी हुआ है। यह घटना संसद मार्ग के पास गोल डाकघर इलाके में हुई है। पुलिस का कहना है कि बाइकर्स स्टंट कर रहे थे, जब उन्हें रोका गया तो वो पुलिस वाले पर पथराव करने लगे जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। राजधानी दिल्ली में पुलिस की फायरिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में गोलीबारी, पीसीआर वैन से चली गोली, एक युवक की मौके पर ही मौत। दूसरा युवक घायल। पुलिस ने दी बाइकर्स थ्योरी, कहा स्टंट कर रहे थे युवक, पत्थरबाजी कर भाग रहे थे। पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल। क्या बाइकर्स को पकड़ा नहीं जा सकता था? क्या फायरिंग जरूरी थी? यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में फायरिंग जरूरी थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीआर वैन से फायरिंग की गई है, एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा इस वक्त भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पुनीत उसका नाम बताया जा रहा है और पुनीत के होश में आने का इंतजार, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से मामले को दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहां पर पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बाइकर्स गैंग का उत्पात चल रहा था और उस वक्त उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पुलिस की ओर से जो थ्योरी दी गई है कि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस वक्त दूसरे तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या पत्थर चला देने के बाद पुलिस ने इस तरह से फायरिंग की जिसके बाद एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वास्तव में हकीकत क्या है, इसका जवाब तभी मिलेगा जब पुनीत होश में आएगा और उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, सबसे पहले बताइए, जो पुनीत घायल लड़का है उसकी हालत कैसी बनी हुई है? देखिए चित्रा, जो घायल लड़का है जिसका नाम पुनीत बताया जा रहा है, वो फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि जो गोली करण को मारी गई थी वो करण का पीछे से लगी थी और वो आगे से जो है पुनीत की जो है हाथ में गोली लगी थी, जिसके चलते वो घायल हो गया था। लेकिन अगर पुनीत की हालत की बात की जाए तो फिलहाल पुनीत की हालत खतरे से बाहर है और आरएमएल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी चित्रा, हालत खतरे से बाहर है लेकिन उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तभी उसके बयान दर्ज होंगे और उसके बाद पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में क्या रही थी वो साफ हो पाएगी। जाहिर तौर पर चित्रा, क्योंकि पुलिस उसके पुनीत के बयान दर्ज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, सिर्फ अब माकूल सिचुएशन चाहिए। जब डॉक्टर्स उनको अलाउ कर देंगे तो दिल्ली पुलिस पुनीत का बयान दर्ज करेगी और उसके आधार पर जिस तरीके से मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि जब पुनीत जिस तरीके से बयान देगा उसी आधार पर एफआईआर की जाएगी और उसी एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारी ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि अगर जो पुलिस बयान देता है उसमें अगर पुलिस के ऊपर भी कोई मामला बनता है तो उस पर एफआईआर की जाएगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो पुनीत के बयान पर डिपेंड करता है। फिलहाल पुलिस जो है इंतजार कर रही है पुनीत के बयान दर्ज करने के लिए। जी बिल्कुल, बयान दर्ज किए जाने का इंतजार किया जा रहा है और उसके लिए पुनीत के होश में आने का इंतजार इस वक्त चल रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पुनीत को भर्ती कराया गया है।